अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज है डे टू 10th क्लास के बायोलॉजी में जो हम लोगों ने टॉपिक जो चैप्टर शुरू किया था जीन एंड इनहेरिटेंस वाला, आज हम जो कल हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन किया था, आज हम लोग उसके आगे कुछ मज़ीद बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस हम लोगों ने कहा था द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि वो खसूसियात जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल हो उसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। फिर इसी इनहेरिटेंस रिस्पॉन्सिबल किस तरह, हमारे पास जो जीन्स है वो इस इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जीन्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब विरासत की बुनियादी इकाई होती है। यही जीन्स किसी भी बंदे की आपके पास खसूसियात का तायुन करती है कि उस बंदे में कौन से करेक्टर लाने हैं, किस किस्म के करेक्टर लाने हैं, ये सब डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, जीन्स के ऊपर हैं। फिर इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था अलील हम लोगों ने कहा था अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रास्टिंग करेक्टर, कि जिसमें आपके पास देख ले अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास वो जो जीन्स हैं उस जीन्स में जो आपके पास मिल रहे अलील, वो एक जैसे आपके पास जो अलील है, जिस तरह कि यहाँ पर देख लें आपके पास एक कैपिटल टी है स्मॉल टी है, वैसे ही हमारे पास होते हैं जीन्स भी हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ अलील्स को हम लोग कहते हैं। लेकिन जब हम लोग सेपरेटली हर एक के कोटा लें तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे फिर अलील। ये अलील हमारे पास किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस बंदे के आपके पास जेनेटिक मेकअप डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था लोकस हम लोग कहते हैं अलील जिस पोजिशन डीएनए में जिस पोजीशन पर मौजूद होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लोकस। तो आज का जो टॉपिक है वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप का मतलब है कि आपके पास जेनेटिक मेकअप, कि जेनेटिक मेकअप मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू अलील अंडर कंसिड्रेशन, कि आपके पास जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, कंस्टिट्यूशन का मतलब है मुरक्कब, जो बनावट है आपके पास वो विद रिस्पेक्ट टू अलील, अलील की बुनियाद पर जो उसका जेनेटिक मेकअप बना हुआ है उसको दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, उसको दरअसल हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। किस तरह, जिस तरह के उस बंदे में आपके पास अलील इस तरह भी मिल सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, मतलब उसमें जो आपके पास उस बंदे में आपके पास जो जीनोटाइप होगा वो जीन्स की तरतीब, दरअसल हम लोग बताते हैं कि उस बंदे में जीन्स की तरतीब किस तरह मिल रही है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप, मतलब जीन्स की तरतीब आपके पास, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन आपके पास किस तरह मिल रहा है। फिर इसी तरह से जीनोटाइप हमारे पास दो किस्म के मिल रहे हैं, इसमें हमारे पास होमोजाइगस भी मिल रहा है, हेटरोजाइगस भी मिल रहा है। होमो का मतलब ही सेम, एक जैसा, जाइगस आपके पास मतलब अलील, जब एक जैसे अलील मिलते हैं आपस में उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस, और जब आपके पास डिफरेंट किस्म के अलील आपस में मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोजाइगस। हेटरो का मतलब है डिफरेंट, जाइगस मतलब आपके पास जीन जो अलील हुए वो अगर डिफरेंट अलील आपस में मिलेंगे तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे हेटरोजाइगस। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए इसमें फिर दो किस टाइप से हमारे पास आ रही है, एक हमारे पास आती है डोमिनेंट और दूसरा हमारे पास आ रही है रिसेसिव। डोमिनेंट हम लोग कहते हैं जोरावर, ताकतवर, किसी भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर दें। रिसेसिव जो अपने अपने ही जैसे दूसरे अलील के साथ मिलेगा तो फिर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वरना कि दूसरे हेटरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, मतलब सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। आसान सी एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, जिस तरह के आपके पास एक कैपिटल टी है टाल के लिए और स्मॉल टी है ड्वार्फ के लिए है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें अगर हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने जो इसका आपके पास जीनोटाइप निकाला हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम लोग इसका फिनोटाइप देख लें
मतलब फिनोटाइप किस चीज़ को कहते हैं? फिजिकल अपेयरेंस। फिजिकल अपेयरेंस का मतलब है जाहिरी वो चीज़ हमें किस तरह मिल रही है, जाहिरी वो चीज़ हमें ठाल मिल रही है, लंबा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, गोल मिल रहा है, रिंकल शेप मिल रहा है, किस तरह मिल रहा है, तो उस जाहिरी शेप को हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं, फिजिकल अपेयरेंस को कहते हैं। तो इसमें देख लें, इसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। कैपिटल टी किस चीज़ के लिए? टाल के लिए है। और स्मॉल टी किस चीज़ के लिए? ड्वार्फ के लिए है। तो ये जो कैपिटल टी है, अगर हम लोग इसका फिनोटाइप देख लें, तो ये जो हमारे पास मिल रहा है, जो भी चीज़ का आपके पास जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इस तरह होगा, वो टाल आपके पास मिलेगा। मतलब क्या है? द अलील विच इन्फ्लुएंस द पेरेंट्स ऑफ फिनोटाइप इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील। तो इससे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, और ये जो स्मॉल टी है ये क्या है? रिसेसिव है। कैपिटल टी ने अपने करेक्टर को शो कर दिया और स्मॉल टी ने अपने करेक्टर को क्या कर दिया? हाइड कर दिया। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो कैपिटल टी आपके पास मिल रही है ये डोमिनेंट अलील है, और ये जो स्मॉल टी है ये क्या है? रिसेसिव अलील है। तो डोमिनेंट अलील किसी ना कि हर किसी कंडीशन में अपने आप को क्या कर देता है? एक्सप्रेस कर देता है, जाहिर कर देता है। और जो रिसेसिव वाली है वो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस का मतलब है इसी तरह ही कोई और रिसेसिव वाली आपस में मिलेगा तो फिर ही वो हमारे पास अपना रिजल्ट दिखाएगा। किस तरह? जिस तरह की आप देखिए, जिस स्मॉल टी है तो इसके साथ दूसरा और ये स्मॉल टी मिलेगा, फिर हमारे पास ये क्या मिलेगा? ड्वार्फ मिलेगा। तो ये क्या रहा कि इसी तरह स्मॉल टी, एक और स्मॉल टी इसके लिए चाहिए कि वो अपने करेक्टर को क्या कर दे? शो कर दे। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? रिसेसिव क्या है? द अलील विच इन्फ्लुएंस द पेरेंट्स ऑफ फिनोटाइप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल अलील। आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे अलील, इसी तरह एक और एक जैसा अलील इसके पास मिलेगा तो फिर वो अपनी करेक्टर को शो कर देगा, वरना वो अपने करेक्टर को शो नहीं करेगा। तो इस चीज़ से क्या हमें जाहिर हुआ कि ये जो स्मॉल टी है ये है रिसेसिव, और जो कैपिटल टी है वो क्या है? डोमिनेंट। तो क्या जो डोमिनेंट होता है वो किसी ना हर किसी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, हेट्रोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और हेमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा।